हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब सही होंगे। बाकी हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने आर्मी वालों ने मुझे एक लोकेशन दी है, ठीक है, एक लेटर भी दिया है जिसपे मतलब कि मेरे चेकअप के लिए लिखा हुआ है। थोड़ी कानों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मे भी पता नहीं, तो उसके चेकअप के लिए उन्होंने लिखा है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ लोकेशन पर। बाकी यहाँ का जो लोकेशन है मैंने पहली बार देखी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। या तो यहाँ का ये माल रोड कह सकते हो, वो आपको दिखा देता हूँ अभी। भाई साहब देख लीजिए, ये यहाँ टुकलाई का माल रोड एंड बाकी मुझे जाना थोड़ी सी यहाँ से दूर, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलो फिलहाल मुझे चेकअप के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं वहाँ जाऊँगा चेकअप कराने के बाद ही, फिर देखते हैं मेरी आगे का सेक्शन का। बाकी फिजिकल की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत तो इसकी चीज़ की भी नहीं, पता नहीं मुझे कि क्यों ऐसा कानों में क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो चलो मिलते हैं। तो गाइज मैं गया था हॉस्पिटल में, आपको मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो जहाँ मैं पहले हॉस्पिटल में गया वहाँ पे जो मेरा टेस्ट था वहाँ वो डॉक्टर नहीं है जो मतलब वाला टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल की लोकेशन दी थी। तो उन्होंने उनका भी मतलब टाइम ऑफ हो चुका था, तो सुबह बुलाया, कल सुबह मैं जाऊंगा 8 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है, तो देखते हैं कल सुबह निकलूंगा मैं यहाँ से। तो बाकी है वो हॉस्पिटल तो वो आर्मी वालों का ही है, उनका खुद का मतलब उन्होंने अपनी लोकेशन दे रखी है आर्मी वालों के लिए स्पेशल। तो मैं देखता हूँ कल जाऊँगा, बक्के फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आगे आगे जा रहे हैं भाई जी, ये भी मतलब कि पीछे एक स्टेशन से साथ में मिल गए थे हम, मैं उस ट्रेन में ही था और उसके बैक साइड वो थे, फिर उसके बाद हम दोनों सेम मतलब एक ही स्टेशन पे उतरे हैं, मतलब ट्रेन से सेम टाइम पे उतरे हैं मतलब। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत आप एक घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बस है लेट, इतने में बस आएगी, इतना हम घर ही पहुँच जाएंगे, इतना बस यहाँ पे आएगी, इतनी देर में हम घर ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बाकी अब देखते हैं आगे जाके क्या बनेगा, क्योंकि आज है वीरवार और आने वाले मंगलवार को वो वहाँ से मिलिट्री वाले अपना ग्रुप भेजते हैं मंगलवार को और वीरवार को, तो वो भेजेंगे मंगलवार को। तो उससे पहले पहले मैंने अपना फिजिकल क्लियर करना है, मतलब मुझे ट्रस्ट है फिजिकल तो मेरा ऑलमोस्ट क्लियर ही है, कुछ नहीं है, मेन 6 से 7 पुलअप मांगते हैं, मैं 12-15 कर लेता हूँ, बाकी रनिंग तो है ही है, पुशअप वो मांगते ही नहीं, बाकी फिर भी पुशअप 35-40-45-50 के आसपास आराम से है मेरे, 30 तो नॉर्मली है ही हैं, कितना मर्जी थकाऊँ फिर भी मैं 30 मार लूँगा, बाकी सम टाइम 50 मार लेता हूँ मैं, बाकी 40 तो लग जाते हैं अप्रोक्सीमेट ऐसी, बाकी 30 का है थका हुआ मारता हूँ मैं, जब मैं थका हुआ हूँ बिल्कुल फिर भी मैं 30 मार लेता हूँ। बाकी उसके बाद ही मिलेंगे जैसे भी होएगा, फिलहाल मेरा IQ टेस्ट वगैरह बाकी और सभी टेस्ट लाइक मेरे हेल्थ वगैरह का, हार्ट BP वगैरह और आँख मुंह, ठीक है, वो सारे मेरे चेकअप हो चुके हैं, उनसे वो सब क्लियर है। सिर्फ कानों में जैसे वो हेडफोन लगा के कुछ आवाज़ें सुनाते हैं हल्की फुल्की, जैसे पी कू लाइक दैट, और क्योंकि जब जैसे हम जंगलों में जाते हैं, जो जंगलों में आपको पता ही है हल्की फुल्की जैसे पत्तों की आवाज़ आ गई और जैसे भी और कुछ भी चीज़ें हैं इस तरह की, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आवाज़ सुनाते हैं। तो
अगर जब भी हमको आवाज़ आती है ना तो एक बटन दबाना पड़ता है कि हमको आवाज़ सुन गई है, तो वो सब चेक होता है, तो उसके बाद ही हमारा अगली बार भी आवाज़ चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई आवाज़ आई होगी जो मुझे नहीं सुनाई दी होगी, या कहीं मैंने गलत बटन दबा दिया होगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने मुझे चेकअप के लिए भेजा है, चलो बाकी कल ही चेकअप के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं, चेकअप के बाद देखते हैं फिर। बाकी थैंक यू, बाकी इतना सपोर्ट कर रहे हो आप, ऐसे ही करते रहना, उम्मीद है। बाकी आप सबकी दुआएं, उम्मीदें मेरे साथ ही होंगी, ठीक है ना, दुआ करते रहना। बाकी इस क्लीन सेव में मुझे कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ आके, वहाँ तो क्योंकि सारे ऐसे ही हैं, वहाँ ना कोई देखने वाला ना कुछ, अपना कोई नहीं, तो सच चल जाता है, लेकिन यहाँ पे सबके सामने ओपनली मुझे खुद नहीं अजीब मुझे खुद अजीब लग रहा है क्लीन सेव में, क्योंकि मैंने कभी करवाई नहीं क्लीन, और मुझे भी मुझे को तो आपने पता ही, आपको वीडियो में देखते होंगे आप, उसी मेट उठा के रखता हूँ मैं, खुंडी रखता हूँ। चलो फिलहाल आज के लिए बाय, आइयो लव यू टू, पता नहीं क्या कह रहे थे बच्चे बहुत क्यूट बच्चे थे। तो बस हम पहुंचने वाले हैं घर पे, ये भी मैं ये लगा लो डेढ़, हाँ यहाँ के डेढ़ बजे से बैग कंधे पे लटका के फिर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कहीं भी रखा है, 5-10 मिनट के लिए कहीं रखा होगा, हॉस्पिटल में रखा था याद है मेरे को, हॉस्पिटल में 5 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद बस में गाड़ी में बस नहीं बस में ट्रेन में पैदल इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि पहले उसको हॉस्पिटल में गया फिर दूसरे में गया, उसके बाद वहाँ से सीधा घर की तरफ आ रहा हूँ। और टाइम हो चुका है 7:11, मतलब 5 घंटे हो चुके हैं इस बैग को लटका के घूम रहा हूँ मैं, इसमें अप्रोक्सीमेट 10 किलो का सामान होगा, फुल पैक है, मेरे कपड़े हैं ठीक है, टॉवल वगैरह हो गया, और भी एक शूज एक जोड़ी जूतों की हैं, चप्पल भी हैं, और सोप वगैरह कोविड ब्रश मतलब अपना डेली यूज़ का सब कुछ है इसमें, बाकी और कपड़े भी हैं, बाकी फोन से रिलेटेड अडैप्टर वगैरह हो गया। चलो जो भी होगा फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मैं टेस्ट वगैरह करके सीधा वहीं जाऊंगा, आज की रात यहीं रुकते हैं घर पे अपने ही रूम पे, उनको सीधा कल वहीं पे, उसके बाद जय श्री राम, देखते हैं फिर क्या होगा, जो भी होगा आपको मैं बता ही दूंगा। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहना, बाय।